मेरी विद्या कहती है ऐसा अद्भुत तारा तभी दिखता है जब किसी राजा का जन्म होता है। और वही संसार का राजा होगा। इस तारे से राजा का क्या संबंध है? क्योंकि यह अद्भुत तारा इस बात का प्रतीक है कि संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली। इसी समय की चर्चा यहूदियों के भविष्यवक्ताओं ने की है, अर्थात मसीह का जन्म। मसीह का जन्म? हाँ, मसीह का जन्म, जिसका राज्य युगानुयुग तक कायम रहेगा। हाले वदरिया, हाले हाले वदरिया, जो छिया दा काफला, इको लगल जावांगे, हाँ इको लगल जावांगे, हाँ जमिया मसीह जिस था। हाले हाले वदरिया। तारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप लोग इतनी दूर से यरूशलेम आए हो? वो तारा ये दर्शाता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हो चुका है। ये हम क्या सुन रहे हैं? जी हाँ, धर्मशास्त्र में लिखा है। क्या बता सकते हैं कि उस राजा का जन्म कहाँ हुआ है? मैं हमें तो मालूम नहीं है। डर नहीं है डर नहीं कालिया कटावादा, अपनी तुन विच जारिया, हौले हौले वदरिया। आप लोग जाइए और उस बालक का ठीक ठीक पता लगाइए, उसके विषय में मालूम कीजिए, और जब वो मिल जाए तो हमें समाचार दीजिए ताकि हम भी आकर उसे प्रणाम करें। मंजिल जेना आए नजर, मंजिल जेना आए नजर, ए हो तारा बखाए डगर, ए गीत गुन गुना रिया, हौले हौले वदरिया। राजा के रूप में तेरी महिमा देखी, और हाँ प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में तेरी महिमा देखी, और हाँ प्रभु तेरी महिमा के राज्य का अंत कभी न हो, कभी न हो, कभी न हो, हो। आमीन। सजदे दिखातिर तुर पे, सजदे दिखातिर तुर पे, सोना लो लेके दर्शन लई तुरदा जा रिया, हौले हौले वदरिया, जो छिया दा काफला, इको लगल जावांगे, हाँ जमिया मसीह हाले हाले वदरिया।